दोस्तों, गांव का जीवन बहुत ही सरल होता है। शहरों की तुलना में कम आबादी, ज्यादा हरियाली गांव की एक और विशेषता होती है। गांव में लोगों का जीवन शहरों की तरह मशीनी नहीं होकर जीवंत और जिंदा दिल होता है। वहां हरी साग सब्जियों से लेकर बहुत सारे फल के पेड़ भी मिल जाते हैं, जहाँ से आप जब भी चाहें ताजे ताजे पेड़ों से फल तोड़कर खा सकते हैं। तो आज हम एक गांव की ही बात करेंगे। दोस्तों, वीरबो दुनिया की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है, जिसे देखने के बाद लाखों लोगों की आंखें मानो सुकून सा महसूस करने लगी हों। इसकी प्रकृति सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये वीरबो समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, और दुनिया में ऐसी कमी जगह है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वीरबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। दोस्तों, फ्लोरेस द्वीप पर एक छिपा हुआ रतन प्राचीन वीरबो गांव है, जहां पहाड़ पर कई घंटे की पैदल चढ़ाई करके ही पहुंचा जा सकता है। ये लाबुआन बाजो से लगभग 108 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर टोडो वर्षावन की गहराई में स्थित है। ऐसे में दोस्तों, वीरबो हर तरह से कुछ खास है। इंडोनेशिया द्वीप फ्लोरेस के पहाड़ी भीतरी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव को हर कोई नहीं जानता, लेकिन इंडोनेशियाई यात्रा प्रभावित करता और इंस्टाग्रामर्स इस तथ्य को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। वीरबो पहले से ही कई साहसी इंडोनेशियाई लोगों का सपनों का गंतव्य है, जबकि विदेशी पर्यटक अभी भी इसे एक छोटी अंदरूनी सलाह के रूप में मानते हैं। लेकिन वीरबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने टोड़े जंगल से घिरा हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस गांव के बारे में जानते हैं। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है कि इनके अनोखे घर, जिन्हें ये लोग मबारू नियांग कहते हैं। ये घर दिखने में शंकुआकार होते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत के नीचे जमीन तक पूरी तरह से लौंटार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे, लेकिन आज ये केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए, जैसे कि पहला भाग जिसे ये लोग लुतुर या टेंट कहते हैं, यहाँ परिवार रहता है। दूसरे भाग को ये लोबो लोग कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर खाना और दूसरा सामान रखा जाता है। तीसरे भाग को लैंटर कहा जाता है और ये हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथे भाग को लैम्पाराय कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और आखिरी में पांचवां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे हेकांग कोडे कहा जाता है। ये लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वीरबो गांव में केवल 7 घर हैं, इसके अलावा एक घर और भी है, जहाँ गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुरानी मान्यताओं को भी अपनाते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस वीरबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आय कृषि है, और ये लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वीरबो गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में यकीन रखते हैं। हालांकि दोस्तों, हाल ही में वीरबो अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया है, और इससे गाँव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकलें, तो इसे वीरबो विलेज को जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आपने आज हमारी वीडियो से कुछ नया देखा और नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।